बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मन्ना खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना खान व्लॉग। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ तो मेरी आंख थोड़ी सी बंद हो रही है, आप देख ही सकते होंगे। और मैं आज आप लोग को लेके चलने वाला हूँ रुस्तमपुर ढाला से मोहदीपुर के तरफ, क्योंकि इधर से जाने का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इधर का मैंने कई बार वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ चेंजिंग खास है नहीं। तो मैं आपको रुस्तमपुर ढाला से इधर का मतलब मोहदीपुर तक का दिखाऊँगा, और उधर से आने का, हालांकि मैंने उधर से आने का शायद रिकॉर्डिंग नहीं किया है, तो हम लोग वही देखेंगे। और अभी मैं घर पे थोड़ा सा काम भी करा रहा हूँ तो थोड़ा मैं बिजी हूँ, तो मैं मतलब थोड़ी सी लेट में निकलूँगा। मैंने सोचा कि यही एंट्रो पहले बना लूँ, क्योंकि घर के काम करने में मैं थोड़ा बिजी हो जाऊँगा, क्योंकि अंदर सफैया का काम हो रहा है तो उसी में मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो खैर मैंने बता ही दिया, और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं इस वक्त रुस्तमपुर ढाला वाले रोड पे हूँ, जो कि मोहदीपुर से होके मैं आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं काफ़ी जाम है, आगे जाके पुलिस चौकी भी है मुझे जहाँ तक याद है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे मार्बल्स का काम भी होता है, तो अगर आप घर में काम करा रहे हैं तो यहाँ से आके रेट पता कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो रुस्तमपुर का मेन मार्केट है वहाँ पे कैसा है और कितना जाम रहता है वहाँ पे। मैंने सुना है उसके बारे में, मैं हालाँकि गया भी हूँ लेकिन मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा जाम रहता है मार्केट में, काफ़ी कंजेस्टेड मार्केट है और काफ़ी बड़ा मार्केट भी है। और ये सब आप देख ही रहे हैं, ये भी मार्केट ही है। और हम लोग अब आगे चलते हैं, और लेकिन इस रोड पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है ज़्यादातर दुकानें कार की ही हैं, जो कि रिपेयरिंग का काम करती हैं, पेंटिंग रिपेयरिंग यही सब। तो आगे पुलिस चौकी आप देख ही रहे हैं, ये रुस्तमपुर ढाला की पुलिस चौकी है। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे मैं जब भी आया हूँ मैं इधर से होके ट्रांसपोर्ट नगर के तरफ कई बार गया हूँ, तो यहाँ पे हमेशा इसी तरह जाम रहता है। और लग रहा है यहाँ पे चेकिंग भी चल रही है, क्योंकि पुलिस वाले हैं ट्रैफिक वाले। तो ये देखिए हम लोग मार्केट में आ गए हैं, ये यहाँ का मार्केट है। रोड के उस बगल भी मार्केट है लेकिन मैं उस बगल अभी नहीं गया हूँ, मैं अभी इसी बगल आप लोग को ले कर चल रहा हूँ। और ये तो लग रहा है यहाँ पर जैसे टेम्पू स्टैंड है, क्योंकि इतने सारे टेम्पू हैं और यहाँ पे सब्जी उब्जी भी लगती है। और इधर आप लेफ्ट साइड में देख ही रहे हैं काफ़ी दुकानें हैं मिठाई वाली। तो हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि मार्केट कैसा है। और यहाँ पे मार्ट भी है, मार्ट करके है। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक दिख रहा है रोड को, आप उस साइड में भी देख सकते होंगे, ज़्यादातर तो दुकानें कपड़े की हैं और कुछ हार्डवेयर्स की भी दुकानें हैं, और मैक्सिमम मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादातर तो दुकानें कपड़े ही की हैं। और काफ़ी कंजेस्टेड मार्केट है, क्योंकि जो रोड के पास वाली दुकानें हैं उन लोगों ने पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, तो सभी लोगों ने रोड ही पे अपनी बाइक या फिर गाड़ी पार्क की है, जिसकी वजह से काफ़ी कंजेस्टेड मार्केट है। अगर आप इस मार्केट में आ रहे हैं तो मैं आपको यही सुझाव दूँगा कि आप फोर व्हीलर लेके ना आएँ, क्योंकि फोर व्हीलर लेके आएंगे तो आप फंस सकते हैं यहाँ पे, तो बेहतर होगा कि आप टू व्हीलर से आएँ। और हम लोग यहाँ पे चौराहे पे आ गए हैं शायद, अब ये कौन सा चौराहा है, चंद्रशेखर, नहीं पता नहीं, मैंने क्लियर नहीं देखा, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हालांकि मुझे सामने जाना है लेकिन मैं इस रोड से होके फिर वापस निकलूँगा मोहदीपुर की तरफ, ये यहाँ का पूरा मेन मार्केट है। और फाइनली अब हम लोग आ गए हैं मोहदीपुर वाले रोड, मोहदीपुर मैं कह रहा हूँ, आपका रुस्तमपुर ढाला से मोहदीपुर जाने वाली रोड पे। मैंने रुस्तमपुर ढाला का पूरा मार्केट का वीडियो नहीं कवर किया, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता और काफ़ी ज़्यादा जाम था वहाँ पर, तो मैं उसका पूरा वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मार्केट काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी बड़ी मार्केट है वो। अगर आप उधर जा रहे हैं तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप फोर व्हीलर लेके ना जाइए,
क्योंकि फोर व्हीलर लेके जाएंगे तो आप वहाँ पे मार्केट के जाम में फंस सकते हैं और काफ़ी दिक्कत होगी। और हो सकता है कई बार फोर व्हीलर पे लोग पास में सटा के निकाल देते हैं, तो टेंट भी लग सकता है आपके मतलब फोर व्हीलर पे, तो फोर व्हीलर लेके ना ही जाना बेहतर रहेगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं वहाँ पर गया था A4 साइज पेपर लेने, जो कि भैया को ज़रूरत थी दुकान के लिए, तो मैं वही लेने गया था, पूरा कैरेट लेने गया था। तो हम लोगों ने ले लिया है और हम लोग आगे चल रहे हैं। और इस रोड पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे इस रोड पे क्या क्या है। तो आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, जहाँ देख रहे हैं हर तरफ यहाँ पे फोर व्हीलर ही लगी हुई है। इस रोड पे आपको फोर व्हीलर का हर काम होता है, डेंटिंग, पेंटिंग, यहाँ तक कि इंजन की रिपेयरिंग, सब कुछ होता है इस रोड पर। आप मैक्सिमम दुकानें फोर व्हीलर ही की पाएंगे और काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं। मैंने अपनी वैन की काम यहाँ से कराया भी है। वैन मेरे स्टार्टिंग करने में मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इस रोड से ही आके उसको सही कराया। और देख ही रहे यहाँ पे कितनी सारी दुकानें हैं। और ये यहाँ का रचित हॉस्पिटल है, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है ये भी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो रुस्तमपुर ढाला था वहाँ पे बच्चों के काफ़ी फेमस डॉक्टर भी हैं। और आपका एक और हॉस्पिटल है जगदीश हॉस्पिटल करके, जो मैंने लास्ट समय आपको कैमरा मोड़ मतलब मोबाइल मोड़ के दिखाया था कि इस रोड से मैं निकलूँगा, उसी रोड में वो जगदीश हॉस्पिटल है। तो अगर आप खोज रहे हैं कि जगदीश हॉस्पिटल कहाँ है, तो मैं बता दूँ वो वहीं पर है। और उस रोड पे काफ़ी ज़्यादा जाम थी, इसलिए मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। बहुत ज़्यादा जाम था उस रोड पे सिर्फ हॉस्पिटल की वजह से। तब हम लोग इस रोड पे आगे चल रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आगे और क्या क्या है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो आपका राइट साइड में कोने पे आपको नौका विहार का गेट दिख रहा होगा। तो मैं फाइनली यहाँ पर चौराहे पर पहुँच रहा हूँ और देखेंगे यहाँ पे जाम है कि नहीं। देख ही सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली है, आज उतना ज़्यादा जाम नहीं लगा है। नहीं तो मैं यहाँ पे भी जब भी आता हूँ तो फंस ही जाता हूँ, क्योंकि खासकर नौका विहार से लोग घूम के आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है शाम के टाइम। और ये रोड आपका मेन मार्केट में चला जाएगा। तो अभी हम लोग को उधर नहीं जाना है, हम लोग को जाना है मोहद्दीपुर की तरफ। तो मैं चलता हूँ मोहद्दीपुर की तरफ और दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या है और कितना कुछ बदल गया है। और यहाँ पे शुरुआत में जितनी भी ये दुकानें देख रहे हैं, ज़्यादातर फल की दुकानें हैं। और जो लोग फूल और मतलब पौधे लगाने के शौकीन हैं, वो लोग यहाँ से आके पौधे ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे वैरायटी के पौधे मिल जाएंगे, फूल वाले, और काफ़ी सुंदर सुंदर ऑक्सीजन प्लांट भी है यहाँ पे, मतलब इधर लोग देते हैं। तो आप आके यहाँ पे पता कर सकते हैं। और ये सब देख रहे हैं, ये टेडी बियर यहाँ पे, ये भी सब लोग बेचते हैं, जो कि मार्केट रेट से काफ़ी अच्छे रेटों पे है। जो कि अगर मार्केट रेट में अगर आपको 500 का मिलता है, तो यहाँ पे आपको 300 में वही मिल जाएगा। तो आप आके एक बार पता कर सकते हैं पहले। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नकली पौधे हैं और लोग शोपीस में अपने घर पर लगाते हैं, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ये सब नर्सरी वाले हैं, प्लांट वाले, और देख ही रहे हैं इनके पास पौधे लगाने के गमले सब कुछ मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, तो आप आके ले सकते हैं यहाँ से। काफ़ी सुंदर है, मतलब यहाँ पे आके इस रोड पे काफ़ी अच्छा लगता है सिर्फ इन पौधों की वजह से। हालांकि ये पौधे लगे नहीं हैं, ये पौधे बेचने ही वाले हैं, लेकिन काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ पर आके। और देख ही रहे हैं लोग ले भी रहे हैं यहाँ पर पौधे। तो अगर आप पौधों के शौकीन हैं तो आप आके यहाँ पे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे रेट पे आपको मिल जाएंगे। और काफ़ी सुंदर सुंदर पौधे भी हैं, हर प्रकार के पौधे मिल जाएंगे आपको। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और मैं आप लोग को आगे का नज़ारा भी दिखाता हूँ। और ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये रोड आपका यूनिवर्सिटी वाले रोड में मिल जाएगा, मतलब कि जो मोहद्दीपुर से यूनिवर्सिटी वाला रोड जाता है उस पर आपको मिल जाएगा। और जस्ट ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री आपकी भी पार्क की बाउंड्री है। मैं इसका मेन गेट भी आपको दिखा देता हूँ, कैसा है मेन गेट इसका। ये है इसका मेन गेट, आप देख ही सकते हैं, ये इसका मेन गेट है। ये इस मतलब इस रोड की तरफ से इसका मेन गेट है। और यहाँ पे पार्किंग भी है उस रोड आपका यूनिवर्सिटी के तरफ से भी, इसका मतलब यूनिवर्सिटी वाले रोड के तरफ से भी इसका एक गेट है, लेकिन वहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। अगर आप मतलब बाइक से या फिर फोर व्हीलर से आते हैं,
तो मैं आपको कहूँगा कि आप इधर वाले रोड से आएँ जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाएगी। सामने देख रहे होंगे, सामने आपका बिग बाज़ार है और बिग बाज़ार में काफ़ी कुछ ऑफ़र भी चल रहा है। मैं लास्ट टाइम गया था तो उसमें काफ़ी अच्छा ऑफ़र भी चल रहा था, तो अगर आप बिग बाज़ार में आके सामान लेना चाहते हैं तो आके पता कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा ऑफ़र भी चल रहा है और इस समय बिग बाज़ार बंद भी रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।